नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफिल टावर के बारे में जुड़े हुए कुछ सवालों की, जैसे कि क्यों तोड़ने के लिए बनाया गया था एफिल टावर को, कितनी ऊंचाई है एफिल टावर की, किसके नाम पर रखा गया इसका नाम एफिल टावर, रात के समय में इसकी तस्वीर खींचना क्यों गैरकानूनी है, कितना समय लगा इसे बनाने में और कितना रंग लगता है इसे रंगने में, और दोस्तों वीडियो के अंत में एफिल टावर के बारे में 5 ऐसी रोचक बातें जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी, अतः इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ।2015 में एफिल टावर दुनिया का सबसे ज्यादा घूमने वाला पर्यटन स्थल था। उस समय तकरीबन 6.91 मिलियन लोगों ने इसे देखा। एफिल है ही इतना सुंदर कि इसकी सुंदरता को देखे बिना कोई रह ही नहीं सकता। तो चलिए जानते हैं एफिल से जुड़े कुछ मजेदार बातें। क्या सच में एफिल टावर को तोड़ने के लिए बनवाया गया था? एफिल टावर का निर्माण सन 1889 में हुआ। उसे वहां आयोजित हुए विश्व मेले के प्रवेश द्वार के रूप में तैयार किया गया और बाद में उसे तोड़ने की योजना थी, लेकिन इसकी सुंदरता, बढ़ती लोकप्रियता और इसे रेडियो एंटीना बनाने की योजना को पूरा करने के लिए इसे न तोड़ने का फैसला लिया गया। एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है? यह पेरिस का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 81 माले वाली इमारत के बराबर है। अगर कोई व्यक्ति इसके सबसे ऊपर वाले माले पर पहुंचना चाहता है तो उसे 1665 सीढ़ियां चढ़नी होगी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब दुनिया का सबसे क्रूर आदमी हिटलर पेरिस पहुंचा तो एफिल टावर के लिफ्ट की केबल काट दी गई ताकि हिटलर एफिल टावर के सबसे ऊपर न पहुंच सके, क्योंकि 1665 सीढ़ियां चढ़ना किसी के लिए बिल्कुल आसान काम नहीं है। किसके नाम पर पड़ा एफिल टावर का नाम? एफिल टावर का नाम गुस्तव एफिल के नाम पर रखा गया। वह एक इंजीनियर थे और उनकी कंपनी ने ही एफिल को डिजाइन और इसका निर्माण करवाया था। गुस्तव ने अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के कुछ हिस्से को भी डिजाइन किया था। एफिल टावर के सबसे ऊपर वाले माले पर गुस्तव का एक फ्लैट भी बनवाया हुआ है। क्यों रात के समय में तस्वीर खींचना अपराध है एफिल टावर की? रात में एफिल टावर की फोटो खींचना गैरकानूनी है। फोटो खींचने के लिए वहां के संचालकों से इजाज़त लेनी पड़ती है। दरअसल एफिल टावर पर लगी लाइट्स के डिजाइन पर उसके कलाकारों का कॉपीराइट है। यूरोप के कॉपीराइट कानून के मुताबिक कॉपीराइट वाली चीज़ों की तस्वीरें खींचना कॉपीराइट नियम का उल्लंघन है। कितना पेंट लगता है एफिल टावर को रंगने में? एफिल टावर को रंगने में 10 हाथियों के वजन के बराबर पेंट का इस्तेमाल किया जाता है। हर 7 साल बाद इसे पेंट किया जाता है, जिसमें तकरीबन 60 टन पेंट खर्च होता है। निर्माण में कितना वक्त लगा था एफिल टावर के? इसके निर्माण में 300 कारीगरों ने काम किया। साथ ही इसे बनाने में खास तरह के 18,038 लोहे के टुकड़े और 2.5 मिलियन कील का इस्तेमाल किया गया था। वहीं इसे तैयार करने में 2 साल 2 महीने और 5 दिन का समय भी लगा। चलिए दोस्तों, अब आपको ऐसी खास बातें बताते हैं एफिल टावर के बारे में जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। एफिल टावर रोशनी के लिए 20,000 बल्ब लगाए गए हैं। साल 2013 से हर दिन रात के 1 बजे यहाँ की लाइट्स बुझा दी जाती है ताकि बिजली की बचत हो सके। पूरी दुनिया में एफिल टावर के 30 प्रतिरूप हैं। वैसे लंदन ने एक ऐसे स्ट्रक्चर के निर्माण की शुरुआत की जो ऊंचाई में एफिल टावर को पीछे छोड़ सकता था, पर उसका निर्माण पूरा नहीं हो सका और आखिर में उस स्ट्रक्चर को कुछ सालों बाद तोड़ दिया गया। वर्ष 1902 में बिजली के झटके ने एफिल टावर के ऊपरी हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद उस हिस्से का दोबारा निर्माण किया गया। बदलते तापमान की वजह से एफिल टावर की ऊंचाई में 5.6 इंच का अंतर आ जाता है। इसके अलावा तेज हवा में यह टावर 2 से 3 इंच नीचे झुक जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी बेहद पसंद आई होगी।
ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।